हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। और बिरयानी देखिए कितना अच्छा और कितना स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं मैं कैसे बनाई हूँ बिरयानी। और बच्चे लोग को भी खाने का इच्छा था, इसलिए मैं बनाई हूँ। और कितना स्वादिष्ट बना है आप सोच नहीं सकते। तो आइए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। तो देखिए कौन है, ये कौन है गुगु? तो मैं आज राजगुंजन के लिए मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और देर नहीं करते आप सभी के साथ भी मैं शेयर करूंगी। हाँ, और जरूर शेयर मैं किस करेंगे। स्टाइल से बनाती हूँ तो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आते हैं फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और तो चलिए मैं करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आसानी तरीके से मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो पहले मैं 1 केजी और चावल लिए है और बासमती है। और यहाँ पे देखिए कुछ खड़े मसाला, मैं जीरा, जो काली मिर्च, लौंग, दालचीनी वगैरह मैं डाल के घी में चावल को इस तरह से बना लेंगे पहले। और पहले चावल को पकने के लिए रखती हूँ मैं। तो 1 किलो चावल है फ्रेंड्स, तो 1 किलो में डेढ़ में जो छोटा जग होता है उससे मैं डेढ़ पानी ऐड करी हूँ। और यहाँ पे मैं पतीला रखी हूँ, उसमें सरसों ऐड करने वाली हूँ, सरसों का तेल। और फिर उसमें डालूँगी चिकन। और चिकन मैं पहले से धो के रखे थे इसलिए, तो इसको थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के इसको दूसरे गैस पे मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी टाइटल देख के आए हैं देखने के लिए, तो प्लीज़ देखिए पूरा वीडियो। और इतना स्वादिष्ट बनता है ये बिरयानी, तो आप कभी नहीं देखे होंगे ऐसा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, चावल जो है मेरा पूरा पक चुके हैं। और नहीं, मैं किसी कुकर में बनाऊंगी नहीं, नॉनस्टिक के बर्तन में, क्योंकि मेरे पास नहीं है। यहाँ पे गांव में थे पर यहाँ पे नहीं है, तो मैं पतीला में ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है गरम मसाला और एवरेस्ट मसाला, कांदा मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिए है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और कुछ लिए है खारे मसाला फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। और ये है बिरयानी मसाला, और 4 टमाटर, और 4 से 5 में अनियन लिए हैं, और यहाँ पे हरी पत्ती। तो ये सब के पेस्ट बना लेते हैं। और फिर तो देखिए ये सब लगने वाला है बिरयानी में। और घी और सरसों के तेल में मैं बनाऊंगी इस तरह से, घी और सरसों का तेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और 2 अनियन का मैं जो है जो उसको फ्राई कर लेंगे।
तो मैं सबसे पहले अनियन को फ्राई करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अनियन को इस तरह से फ्राई कर लेंगे और तो मेरा अनियन जो है फ्राई हो चुके थे और मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। फिर इसी में मैं इसी ऑयल में डालूंगी घी और फिर यहाँ पे डालूंगी मैं खड़े मसाला जो और फिर यहाँ पे मैं प्याज डाल दूंगी और प्याज को भी पूरे रेड होने तक भून लूँगी। उसमें फिर ऐड कर दूंगी टमाटर और टमाटर डालने के बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार। और फ्रेंड्स बच्चे लोग खाने वाले इसलिए मैं ज़्यादा हरी मिर्च क्या तीखा नहीं बनाई हूँ और फिर तीखा तो हो गए पर इतना भी नहीं। तो मिस्टर को लगेंगे तीखा तो मैं इसलिए हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। यहाँ पे सारा मसाला मैंने ऐड कर दिए और फिर जो पेस्ट बनाए थे वो भी ऐड करें और फिर इस तरह से मैं भूनूंगी अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक मेरा मसाला में से ऑयल नहीं निकलना चालू होगा तब तक। और इतना अच्छे से भूनूंगी क्योंकि मसाला यहाँ पे मेन पॉइंट है मसाला को फ्राई करना। मसाला मेरा फ्राई हो चुके थे तो इसलिए मैं इसमें दही ऐड करी हूँ और दही को मैं मैश नहीं करी थी तो इस दही मैं बहुत अच्छे तरह से इसको चला लेंगे मेरा दही नहीं फटेगा इसलिए। तो देखिए थोड़ी देर में दही किस तरह चला लिए और फिर मैं यहाँ पे जो भुना हुआ चिकन था जो मैंने फ्राई करी थी साइड में तो वो अभी लगा के इसको इसमें 2-3 मिनट इसको भी मिक्स कर लेंगे और जैसा मेरा हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो अब आ जाता है मेरा चावल का टाइम। तो मैंने जो चावल पकाए हैं वो देखिए और पूरे दाने दाने ये हो गए हैं और इसमें मैं पानी लगाए थे तो मेरा जो चावल है तो मैं उसको पानी को पसाना नहीं किए थे पसाए नहीं थे और इतना स्वादिष्ट बना है फ्रेंड्स आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेस्टोरेंट जैसा नहीं स्वाद आएगा तो बोलिएगा कमेंट में बताइएगा मुझे आप लोग ट्राई करेंगे तो और कमेंट में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स कैसा बना बिरयानी रा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चावल के दाने दाने और आपका जो चिकन है उसमें से बिल्कुल ही स्मेल नहीं आएगा और इतना स्वादिष्ट और बन रहे थे तो बच्चे लोग भी उछल रहे थे खाने के लिए और खुशबू इतना आ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स आपको घर में इस तरह से बनाएंगे तो कितना स्वादिष्ट होता है आप सोच नहीं सकते फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मेरा पक चुके थे फ्रेंड्स। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ।